हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि 5 मिनट में कैसे आप अपने कार के स्टेपनी को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ये देखिए, मेरा फ्रंट व्हील का टायर एकदम फ्लैट हो गया है, पंचर हो गया है, तो मैं इसको स्टेपनी चेंज करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसका बताऊंगा कि कैसे, अगर आप कहीं भी फंस जाते हैं गाड़ी कार को लेके, अपने वाहन को लेके, तो आप कैसे इस स्टेपनी को चेंज कर सकते हैं। चलिए देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझिए। पहले तो हम लोग डिक्की की तरफ जाते हैं, जैसे कि डिक्की में अपना स्टेपनी रखा हुआ रहता है, जो कि ये मेरा टाटा पंच कार है, तो सभी कार में ही डिक्की के अंदर रहता है और बड़ी एसयूवी में उसका अलग जगह रहता है, लेकिन छोटा कार या मिड एसयूवी में आपको डिक्की के नीचे ही देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये मैट है डिक्की वाला, और मैट को जैसे आप उठाइएगा आपको स्टेपनी मिल जाएगा और स्टेपनी का रिंच और जैक सब एक साथ देखने को मिल जाता है। ये देखिए स्टेपनी है और इसका कुछ टूल्स है, रिंच है, जैक है, ये देखिए जैक, और ये हम इसको निकाल रहे हैं, साइड में रखते हैं, और ये यहाँ पे हमारा स्टेपनी है। स्टेपनी ये बीच में लॉक है, जैसा कि ये देखिए, अपने तरफ से घुमाइएगा तो ये अनलॉक हो जाएगा, उसको पूरे तरह खोल के आप स्टेपनी बाहर निकाल सकिएगा। ये देखिए, पहले हम इसको साइड कर ले रहे हैं, बाहर कर ले रहे हैं, जैक है और ये स्विंग आर्म है उसका, और ये रिंच है। ये 3 टूल्स आपको स्टेपनी के साथ मिलते हैं। पहले तो हम लोग स्टेपनी लगाने से पहले अपने चक्के को खोल लेंगे नीचे की तरफ से, आप चारों बोल्ट को ढीला कर लेंगे ताकि स्टेपनी आराम से लग सके, और जैक जब लगेगा उसके बाद प्रोसेस देखिए। ये जैक है हमारा और ये स्विंग आर्म है। चलिए देखिए आगे वीडियो में कैसे इसको जैक को सही प्रोसेस सही तरीके से हम लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे एक एरो दिखेगा आपको फ्रंट चक्का के पास, देखिए यहाँ पे एरो, और एरो के नीचे ही आपको जैक लगाना है। ये देखिए पीछे नीचे की तरफ से यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है और वही बॉक्स के बीचों बीच लगाना है, ताकि आपको जैक बढ़िया से स्टेबल रहे और गाड़ी को भी आपका कार का डैमेज ना हो ज़्यादा। ये देखिए बीचों बीच लगाकर स्विंग आर्म से इसको उठाएंगे अब हम लोग। ये देखिए अब हमारा ये प्रॉपर जैक लग चुका है। अब आप धीरे धीरे इसे उठा के आप स्टेपनी आराम से चेंज करिएगा। देखिए दाहिने साइड आपको स्विंग करना है, घुमाना है, रोटेट करना है। ये देखिए दाहिने तरफ से आपको घुमाना है, रिंच लगा के देखिए दाहिने तरफ से घुमाइएगा, जैसे जैसे घुमाइएगा जैक आपको उठेगा, और उसके बाद हम लोग चक्के को अच्छे से खोल लेंगे। ये देखिए चारों नट को अच्छे से खोल के उसके बाद व्हील कैप को बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए और इसको एक अंदर लगाना है। ये देखिए जो और जो प्लेन नट है उसको बाहर की तरफ रखना है, और ये देखिए हमारा जो चक्का है स्टेपनी है फ्रंट व्हील का, ये लग चुका है। अब इसे व्हील कैप डालकर हम लोग नट को टाइट करेंगे रिंच से। ये देखिए व्हील कैप लग गया, और उसके बाद हम लोग चारों बोल्ट लगाएंगे। देखिए चारों बोल्ट लग रहा है अब, और उसके बाद चारों बोल्ट लग जाएगा, उसके बाद रिंच से हम लोग टाइट करेंगे, और एक ऊपर और उसी के सीधे नीचे लगाना है और वैसे ही टाइट करना है। उसके बाद
दोनों लेफ्ट राइट साइड का सीधे कॉम्बिनेशन में टाइट करना है। आप इंडिविजुअली टाइट नहीं कर सकते हो, आप जो नट पहले टाइट कर रहे हो उसको, उसके सिकान जो उसके सामने नट है उसको टाइट करना है, उसके बाद लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन में टाइट करिएगा। ऐसे चारों नट अच्छे से कसा जाएंगे और आपका जो व्हील का बैलेंस है वो प्रॉपर रहेगा। ये देखिए कसा गया, अब हम लोग इसको रिंच से टाइट करेंगे। अब इसे आराम से आप रिंच से टाइट कर सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए हमारा जो पंचर वाला टायर था यहाँ पे रखा है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन, वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।